तो रुक करते हैं सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र की ओर, जहां कुछ समय पहले 18 बच्चों के लापता का एक मामला सामने आया था। आपको बता दें कि चौपन थाना पुलिस की बड़ी सफलता मिली है, 18 बच्चों को लक्ष्मण पर्वत से किया गया है बरामद। चौपन थाना क्षेत्र के मालगढ़ क्षेत्र में गुरुकृपा आश्रम में बीती रात के टेकर के साथ गायब हुए 18 बच्चों को पुलिस ने गुरमुरा से 15 घंटे बाद के टेकर समेत सभी बच्चों को बरामद किया। आपको बता दें कि आश्रम में बच्चों की देखरेख करता था, कभी कभार शराब भी पीता था। मंगलवार को वह शराब पिया, जिसको लेकर आश्रम में मौजूद एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया। उसी दौरान नाराज होकर के टेकर 18 बच्चों को लेकर रात्रि में गायब हो गया, जिसकी सूचना आश्रम के प्रबंधक प्रवीण पांडे ने चौपन थाने की प्रभारी लक्ष्मण पर्वत को दी। सूचना पर रात भर पुलिस बच्चों की खोजबीन में लगी रही। सुबह के टेकर के मोबाइल लोकेशन सुपौल थाना प्रभारी लक्ष्मण पर्वत के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाते हुए बच्चों को बरामद किया गया। आश्रम था, वहाँ से 18 बच्चे गायब हो गए थे, अपने केयरटेकर के साथ चले गए थे, पुलिस ने उन्हें बरामद भी कर लिया। क्या मामला था सर, उसमें क्या किस तरह से बरामद हुआ? देखिए, एक आश्रम है यहाँ पर, जिसमें बताया जाता है कि जो गरीब तबके से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको उसमें रखा जाता है, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर संचालक द्वारा की जाती है। इसमें जो उस आश्रम के संचालक थे उनमें आपसी विवाद हो गया, तो एक संचालक उनमें से 18 बच्चों को लेके कल रात से गायब हो गए थे। उन्हें पुलिस ने बहुत मेहनत करके सर्विलांस एसओजी के माध्यम से जंगल से बच्चों को बरामद कर लिया है, संचालक भी आ गए हैं। तो इन लोगों का आपसी विवाद था, अब इसमें पुलिस जांच कर रही है कि क्या वो आश्रम सही तरीके से चल रहा था, वैधानिक है या नहीं है। उसके संबंध में संबंधित डिपार्टमेंट को, जहाँ भी उसका डाटा रहता होगा, कहाँ से वो रजिस्टर्ड है, उस संबंध में सारी जानकारी की जा रही है। तदुपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस के द्वारा वो की जाएगी। 18 के 18 बच्चे सुरक्षित हैं, कहीं कोई इस तरीके की समस्या नहीं है। अगर वो बच्चों को उसको ले जाने का मोटिव क्या था उसका, क्यों ले गया था? आपस में इन लोगों का बच्चों के केयर करने के लिए, बच्चों को रखने के लिए लेके दोनों संचालकों का आपस में